येते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलः क्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं जो गलत है, अनुचित है, उसे नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के उत्पन्न दोष के नाश को जानने वाले लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?